बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय, मेरे कृष्ण कन्हैया लाल की जय, रास बिहारी जी की जय, जिस जिस तन में मेरे पिया जी ने, जिस जिस सतगुरु रूप में मेरे धनी जी आए, उन सब की जय, सब परम हंसों की जय। सुंदर साथ जी, Day 120th, 120वां दिन, श्री सिंधी मंथन, इस खेल में मेरा प्रेम बड़ा हो गया है। बहुत ध्यान से इस बात को, इश्क रब्दी करके आए थे सुंदर साथी जी, वहां भी प्रेम को बड़ा कहलाया था। इस खेल में मेरा प्रेम हम नहीं कह सकते, ये बिल्कुल भी नहीं, कहना भी नहीं, ये इंद्रावती जी कह रही हैं, और इसके पीछे भी एक बहुत सुंदर कारण छुपा हुआ है, क्यों कह रही हैं ये ऐसे शब्द इस खेल में आके उनके मुख से कैसे निकले। अभी तो दो चौपाइयां, तीन चौपाइयां तो पहले कह रही थी कि इश्क रब्द के बोल सुनते हुए, बोलते हुए मैं फट क्यों नहीं गई, और अब कह रही है इस खेल में मेरा प्रेम आपसे बड़ा हो गया है। आखिर क्या कारण है जो ऐसा कह रही है, कौन सी चौपाई में ये दर्शाया गया, ये अभी चलेंगे हम सुंदर साथ जी। उनका त्याग, उनका बलिदान बहुत बड़ा है, उनकी कसनी, उनकी रहनी बहुत बड़ी है सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर दर्शाया इस चौपाई में। पहले चलते हैं लता दाहाल जी के पास, अति सुंदर वाणी गायन। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी की बधाइयां समेट लीजिएगा, चैट में आती जा रही हैं वेदांश बेटे के लिए। प्रणाम जी लता दीदी, आपकी आवाज नहीं आ रही दीदी जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। दी आपने एकदम से कह दिया, मुझे इतना कुछ आता भी नहीं है गाना बिना देखे। कुछ दो ही लाइनें हैं जो आपने हमेशा सुनी है और मैं हमेशा गुनगुना देती हूँ जब कोई एकदम से कह दे, क्योंकि वही ऑन टॉप ऑफ माई माइंड रहती है। वो मुझे बहुत प्यारी है, हमेशा जब भी कुछ गुनगुनाने का मन करे तो मैं वही गुनगुना लेती हूँ। तो बस दो, उसकी दो ही लाइनें आती है, मुझे ज्यादा आती भी नहीं। तो सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी। सामने बैठ कर है दनी आपका दीदार, दीदार दीदार करूं तुमसे प्यार करूं, सामने बैठ कर है पिया आपका दीदार, दीदार दीदार करूं तुमसे प्यार करूं, ना जुदा आप हो ना जुदा मैं रहूं, इकरार 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 करूं तुमसे प्यार करूं, ना जुदा आप हो ना जुदा मैं रहूं, इकरार 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 करूं तुमसे प्यार करूं, सामने बैठ कर ऐ धनी आपका दीदार 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 करूं तुमसे प्यार करूं। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोले श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी,
ये राजी ने लिखा होता है एक्चुअली, मास्टर प्लानिंग धनी जी की होती है, और एक ही कामना मैंने इनके दिल से निकलती हुई भी हमेशा देखी है, और वो यही कामना है जो अभी अभी इन्होंने गुनगुनाई है कि बस आपका दीदार पिया चाहिए और कुछ नहीं मांगती हैं सुंदर साथ जी। ऐसी प्यारी भीगी हुई सुंदर साथ से हमें भी बहुत कुछ सीखना है, एक ही कामना हमारे हृदय में रहे कि पिया आपका दीदार हो बस, और माया का कुछ नहीं चाहिए हमें। जो ब्रह्मांड चलता जा रहा है, जैसे चलता जा रहा है, बहुत अच्छा है, पर मेरी कामना है कि मैं आपसे बातें करूं। प्रणाम जी, बहुत सुंदर, शुक्र है राज जी। और ये गाने के बाद वो हमारी तरफ देख भी नहीं पाएंगी, मुझे पता है सुंदर साथ जी, वो छुप जाएंगी क्योंकि उनकी आंखें भीग जाती हैं, दिल भीग जाता है। मैं एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ इस स्थिति को उनके साथ। हाँ जी, लता जी आप आ चुकी हैं। प्रणाम जी। जी प्रणाम जी दीदी, आवाज प्रणाम। आ रहा है? बिल्कुल, ये राजी की मास्टर प्लानिंग थी, अभी आ जानी थी आपकी आवाज, आज हमने उनको भी सुनना था आपके साथ। प्रणाम जी दीदी। जी प्रणाम जी, संपूर्ण सुंदर साथ जी की मुरी चरण कमल में कोटांकोट प्रेम प्रणाम अर्पण करती हूँ। प्रणाम जी, सनंद ग्रंथ प्रकरण 33 से एक वाणी भाव राखने जा रही हूँ। सुनियो दुनिया आखिरी भाग्य भरी तुम, सुनियो दुनिया आखिरी भाग्य भरी तुम, जो कल भुगा ना सुनी तो करो निधर खसम, सुनियो दुनिया आखिरी भाग बड़े तुम, कहीं दिन बर्दाश्त हो गई, कहीं दिल धमका रवता सवनो सोई मिला नर ना सुपनी ना श्रवनो सोई मिला नर ना, सुनियो दुनिया आखिरी भाग्य भरी तुम, करी अनेक बंधगी इस कलियां करी जाना, बंधगी कहीं जाना तेरा कहूँ ना जी, सोई मिला सबन तेरा कहूँ ना जी, सोई मिला सबन, सुनियो दुनिया आखिरी भाग बड़ी हे तुम, चोली तवार की खावन कर कर गई उपाय, की खावन कर कर गई उपाय, पिता परदा सबन पर सोई दिया उड़ाई, तिता परदा सबन पर सोई दिया उड़ाई, सुनियो दुनिया आखिरी भाग बड़ी तुम,
बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज जी की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। लता दीदी अति 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 सुंदर आपके चरणों में प्रणाम जी। बहुत मीठा स्वर, बहुत मीठी वाणी। बस ये जूम में थोड़ी थोड़ी सी आवाज जूम की प्रॉब्लम से शायद कट जाती है। सुंदर साथ जी का पूरा वो मिठास भाव तो पहुंच जाते हैं सुंदर साथ जी, पर स्वर जूम के उससे रह जाता है। आशा है ये जूम वाले जल्दी इसको फिक्स करेंगे और हमारे सब सुंदर साथ की वो मीठी वाणी पूरी तरह से हमारे तक पहुंच पाएगी। आप रिकॉर्ड करके भेजिएगा लता दीदी, जरूर वीडियो हो सके तो, ताकि पूरी तरह से सुंदर साथ इसका आनंद ले सके। अति अति सुंदर आपके चरणों में प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी। हाँ जी, आइए सुंदर साथ जी, अब चलते हैं हमारी प्यारी सिंधी वाणी की ओर, और साथ में बहुत सारे आशीर्वाद आते जा रहे हैं हमारे विदांश बेटे के लिए। आइए चलते हैं सुंदर साथ। कितना सौभाग्यशाली परिवार है ना ये हमारा, मुझे तो उस पे वो हो रहा है तब तक। अरे वाह, ये देखिए अब कहते हैं मुंह फिराक धनी ना सहे, फिराक यानी कि मेरा बिछोहा, मेरा विरहा, मेरा वियोग पिया नहीं सह सकते। कहती हैं आपने इसीलिए तो कदमों के तले हमें बिठा के रखा हुआ है पिया जी। धनी पाही जी रूहन रे, रही ना सके हिकदम, एकदम एक पल एक घड़ी आप हमारे बिना नहीं रह सकते, एक पलक आप हमारे बिना नहीं रह सकते। तभी तो आपने अपने सामने हमें बिठा रखा है मूल मिलावा में। यदि ऐसा होता तो धनी किसी और हवेली में बैठ जाते ना सुंदर साहब जी, पर एक पलक के लिए भी अपनी रूहों को अपने से अलग नहीं कर सकते, अपने तनों को, अपने अंगों को अपने अपने से अलग नहीं कर सकते। कहते मेरे हृदय के अंग हो तुम्हारे बिना तो मेरे हृदय में वहां धड़कन नहीं होती है। यहाँ पे मिसाल देने के लिए धड़कन नहीं है उनके हृदय में, यदि अंग नहीं है हृदय कैसे फॉर्म होगा सुंदर सा जी। हमारे बिना दिल भी नहीं है, एक ही दिल कार्य करता है, जरूर एक ही दिल कार्य करता है, पर वो दिल भी रूहों से बना हुआ है सुंदर सा जी। इतना प्रेम भी क्या कोई कर सकता है। इंद्रावती जी कैसे उनको, आपने देखा है सुंदर सा जी कैसे उनको समझा रही है कि पिया आप नहीं रह सकते हमारे बिना, इसलिए इनको प्रेम दे दो। ये तो रह पा रही हैं, बड़े आराम से रह पा रही हैं, सैकड़ों सालों से यहाँ पे रह पा रही हैं, पर क्योंकि आप नहीं रह सकते इसलिए इनको दर्शन दे दो, इसलिए इनसे प्रेम भरी बातें कर लो। खुद तो कर चुकी हैं, हर पल हर घड़ी उनकी आत्मा वो स्वाद वो लज्जत उसी में ही रहती है। जीव बार बार तरसता है, जीव को उस भाव में डूबना पड़ता है, बार बार उनको भी बैठना पड़ता है उसके लिए, पर आत्मा तो हर पल हर घड़ी उस आनंद में है। और क्या कहते हैं, कहते क्योंकि पिया आप नहीं ना रह सकते, आप अपनी दानाई देखिए, आप अपना ओहदा अपना रुतबा अपना प्रेम देखिए, इनकी तरफ देख के मत दीजिए अपनी तरफ देख के दीजिए, क्योंकि आप इनके बिना नहीं रह सकते। बहुत सुंदरता से ऐसे होते हैं सुंदर सा जी, ये हमारी ट्रू वकील होता है ना, जो किसी तरह से, अब इनकी रहनी ऐसी है नहीं जिसकी गुहार मैं लगा सकूं, इनकी मतलब मेरी सुंदर सा जी, इनकी पे करके टाल नहीं देना है उस, इनकी कौन सी रहनी पे गुहार लगा दूं कि इस वजह से
मिल जाए मुझे, मेरी कौन सी रहनी बताए इंद्रावती जी कि मुझे मिल जाए पिया जी किसी तरह से, मैं ऐसा क्या कर रही हूं इस खेल में। इंद्रावती जी सब जानती हैं, महामती जी सब जानती हैं सुंदर साथ जी, इसीलिए इसीलिए कहती हैं आप अपनी तरफ देख के पिया दो, क्योंकि आप इनका वियोग सहन नहीं कर सकते। आपने बोला था ना कि आपको वियोग कल्पांत के बराबर लगा था, हमारा यदि युग के बराबर था तो आप हमारी रहनी मत देखिए, मेरी रहनी मत देखिए। जब भी ऐसी कोई बात आए ना, अपने ऊपर घटानी शुरू करनी है सुंदर साह जी, शायद कुछ चोट लग जाए अंदर और हम उनकी ओर अग्रसर हो जाएं। बहुत हो चुका है अब इस माया में, एक लिमिट हो जाती है ना सुंदर साह जी। कहते पाप का भी घड़ा हो ना वो भी फूट अच्छा जाता है सुंदर साह जी, पाप का भी घड़ा हो तो वो भी फूट जाता है। ये वाला घड़ा जो है पेशेंस, जो राज्जी की पेशेंस है, और यहाँ पे हमारी बुरी जो रहनी है उसका भी तो फूट जाना चाहिए। पिया की ओर बढ़ना शुरू करना है अब, एक पल एक पलक भी हमारी पलक, एक श्वास भी उनके बिना ना आए, धीरे धीरे करके करना नहीं पड़ेगा, ये स्वतः होता चला जाएगा। ओनली टू थिंग्स वी शुड नॉट फॉरगेट एट ऑल, और वो है श्री मुखवाणी मंथन और चितवन। लगती है नहीं लगती, नन ऑफ माई बिजनेस सुंदर साह जी, ये मेरा बिजनेस, ये मेरा काम नहीं है कि लगती है कि नहीं लगती, ये धनी देख रहे हैं, इट्स हिज बिजनेस, वो करेंगे जिस दिन भी करेंगे, उन्होंने ही करना है, हमें बैठना है बस, हमें इस जीव को ट्रेनिंग देनी है। रोज श्री मुखवाणी मंथन करो, कब श्री मुखवाणी में से ही उठ के अंदर प्रवेश कर जाएंगे और प्रत्यक्ष हो जाएंगे, हमें नहीं पता सुंदर साह जी, वो अचानक ही हो जाएगा एक दिन, ये पल अचानक ही आ जाया करते हैं, और विश्वास नहीं होता स्वयं को कि ऐसा भी कभी हो सकता है। तू ना दिखाई देते हुए भी तू दिखता है, ऐसा कैसे हो सकता है। ये हुक्म की कारीगरी भी यहाँ कर देते हैं, पिया ने क्या क्या मेहरबानियां कर दी हैं, जो दिखाई नहीं दे रहा वो महसूस होता है, मेरे पास है हर समय हर घड़ी हर पल मेरे पास है, ऐसा महसूस होता है, ऐसा लगता है मैंने तुझे देखा है, मैं तुझे ना देखते हुए भी देख पा रही हूं, ऐसा क्यों लगता है। तो ऐसा होना चाहिए सुंदर साह जी, रोज वाणी के पास बैठ के ऐसे सोचिए मेरी निस्बत आपके साथ है पिया, और ये तेरी और मेरी बात है। ऐसे वाणी को एक बार पढ़ के देखिए, एक शब्द पे अटक अटक जाइए, मत बढ़िए आगे, किसने बोला है ये मंजिल पूरी करनी है हमने, किसने बोला है ये पूरा करना, इतनी चौपाइयां पूरी करनी आज जरूरी है, एक शब्द पे अटक जाइए सुंदर साथ जी, बहुत आनंद आएगा। जब उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे तब आपको पता लगेगा ये शब्द मेरे पिया का अंग था जिससे मैं निकल नहीं पा रही थी, इसको इसी को कहते हैं अंगों की शोभा में अटक जाना, स्थितियां होती हैं ये। इस स्थिति में जब ब्रह्मवाणी को दिल दे के पढ़ रहे होते हैं ना, तो एक शब्द में अटक जाना भी उनके अंग में, उसकी शोभा में, उसकी किरणों में, उसकी तरंगों में, उसके नूर में अटक जाना, उस शब्द वो आगे नहीं बढ़ने देता आपको, वो अपने आप में ऐसे अंक में भर के बैठ जाता है कि आगे बढ़ के दिखा तू जाती कैसे है। माया में चले जाओ, आप काम करने जाओगे, वो शब्द आपको खींचता रहेगा, वो जाने नहीं देगा कहीं भी, हाथ हिल रहे हैं माया, ऐसा कितनी बार होता है सुंदर साह जी, कुछ अटक गया है वहां पे, एक एक साल अटका रहता है कई बार, एक एक साल तक आप काम कर रहे हैं पर वो अंदर ही अंदर चल रहा है कि ये कैसे है, ये क्या है, इसका क्या संबंध है मेरे साथ, इसका क्या संबंध है इस घटना के साथ, ये शब्द क्यों लिखा, ये कैसे लिखा, वो निकलने नहीं दे रहा एक साल से अपने, फिर वो फ्री कर देते हैं, फिर एक दिन अचानक से ऐसी बात होती है कि वो समझ में आ जाता है, चाहे सतगुरु आके समझा जाते हैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष या सूक्ष्म रूप से, चर्चा के रूप में, टीका के रूप में, स्वयं अपने मुखारबिंद से या हृदय में बैठकर वो समझा देते हैं, फिर वो शब्द कहता है कि अब जाओ
अब अगले शब्द पे अटकना, यही उनके अंगों में अटकना सा लगता है सुंदर साहब जी। मुझे तो पता नहीं अंगों में कैसे अटकते हैं, मुझे चितवन में बैठकर ऐसा लगता है कि इमेजिनेशन इमेजिनेशन ही, मैं तो कहती हूं अपनी स्थिति के हिसाब से सुंदर साहब जी, भावलीनता, पहले इमेजिनेशन फिर भावलीनता फिर उसमें डूबना, पर उससे वो करते हैं चितवन में बैठ के धीरे धीरे पिया जी आगे लेकर जाते हैं, डेफिनेटली लेकर जाते हैं, पर अभी तो राज्जी के इन अंगों में अटकना बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि उन्होंने कहा है पहले ज्ञान का आवेश आएगा फिर प्रेम का आवेश आएगा सुंदर साहब जी। तो ये ज्ञान बैठने नहीं देता आपको अंदर, एक एक शब्द पूरा साल सोचो चेतन हुआ अंदर बैठा है वो, हृदय का एक एक कोना घुमाया, वो कोना भी जहां पिया सूक्ष्म रूप से विराज रहे हैं, वो क्या क्या दिखाई आया आपको वहां जाके। ज्ञान का आवेश भी बहुत जरूरी है, उसके बिना प्रेम का आता नहीं है। तो ज्ञान से आलस्य के मारे प्रमाद के मारे कभी नहीं कहिए कि ये लेके क्या करना है, आपको पता ही नहीं ये लिए बिना वो आएगा ही नहीं, इसलिए ज्ञान को हल्के में मत लीजिएगा। प्रेम तो खैर हल्के में ले ही नहीं सकते, कभी कहते हैं हे प्राणवल्लभ आप मेरा वियोग कदापि सहन नहीं कर सकते, इसीलिए तो आपने अपने चरणों में मुझे बिठा रखा है, आप तो अपनी अंगनाओं के बिना एक पल भी नहीं रह सकते ना पिया, इसलिए ऐसा कर दो। कैसे पिया जी को अपनी बातों में लेके, ये होता है वशीकरण मंत्र सुंदर साहब, ऐसे करते हैं पिया जी से प्रेम भरी बातें। मूंग धनी रे घारी मूंजी सब उमर, क्या कह रहे हैं, मैंने आपके वियोग में, ये कौन कह सकता है, हम कह सकते हैं सुंदर साहब जी, हम इस चौपाई को पढ़ने के लायक भी हैं, मुख से उच्चारण करते हुए भी शर्म आ रही है, ये तो ये इंद्रावती जी का नाम लेके कही जा सकती है, ये इंद्रावती जी ने करके दिखाया है। कहते हैं हे मेरे प्रियतम आपके वियोग में, आपके बिना, आपके वियोग में मैंने सारी उम्र बिता दी है, वियोग में ये इंद्रावती जी ने बिताए थे वो पल सुंदर साहब जी, वो भी उम्र के बराबर लगे होंगे उनको, वो 6 महीने से पहले भी, जब से श्री देवचंद्र जी ने तन छोड़ा था 7 प्रकार का विरह हमने किया था सुंदर साहब जी, जब से उन्होंने तन छोड़ा था तब से उनके मन में कैसी वो अग्नि प्रज्वलित हो गई थी कि मुझे छोड़कर चले गए हैं, और वो 6 महीने में तो पराकाष्ठा हो गई थी, तभी तो ये ब्रह्मवाणी रूपी प्रसाद हमें प्राप्त हुआ है सुंदर साहब जी। कहते मैंने पूरी उम्र बिता दी है, हम पूरी उम्र तो बिता रहे हैं, पूरी उनकी नहीं बीती सुंदर साहब जी, देखा जाए पूरी उम्र हमारी बीत गई, पर वियोग में हमने उस वियोग को, वियोग में तो बीत रही है हमारी, पर हमने उस वियोग को महसूस नहीं किया, जैसे गोपियां 52 दिन तक हुई थी ना, हम पूरा जीवन उस 52 दिनों को ही हम लोग लेके बैठे हुए हैं सुंदर साहब जी, प्रेम और आनंद हमने यहाँ लिया ही नहीं, हम केवल वो 52 दिन को ही बड़ा करके कितने साल बना दिए हमने, 520 होने वाले, 400 साल तो हो चुके अभी तक, 520 तो ना ही हो, इसी में खत्म हो जाए सुंदर साहब जी। 52 दिन तक हम ना तो वृंदावन गए, फिर भी दिल में कुछ तो कचोटता होगा तब, आज तो दिल में भी नहीं कचोटता, वो दिखता तो था सामने से आते जाते हुए कृष्ण जी, शरारते करते, वो तो निकलते भी नहीं होंगे गोपियों के घर के सामने से भी नहीं निकलते होंगे कि तुमने कहा था ना मत आना, कैसी हालत होती होगी सुंदर साहब जी, रोज वृंदावन में मिलने जाती थी, 52 दिन से गई नहीं है, वियोग धीरे 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 इकट्ठा होता होता अचानक से विरहा के रूप में फूट गया था, आज तो वियोग भी नहीं फील नहीं हो रहा, अलगाव तो है जुदाईगी तो है, देख तो नहीं पा रहे हैं, पर इस दिल को महसूस क्यों नहीं हो रहा, ये इतना पत्थर क्यों बना पड़ा है,
वाणी पढ़ पढ़ के पत्थर क्यों बना पड़ा है सुंदर सार जी, सुन सुन के भी क्यों ये मोम नहीं हो जाता, क्यों ये पिघल नहीं जाता, इतने सुंदर शब्द पिया कह रहे हैं, कैसे याद दिला रहे हैं, कभी इस सुंदर साथ के माध्यम से, कभी सतगुरु के माध्यम से, ब्रह्मवाणी चितवन चर्चा पूरा दिन, बाजे बजावन हार भी इसमें तब्दील हो गए हैं, वो भी अब धनी की याद कराने लगे, उनको भी शर्म आ गई है, हमें अपनी तरफ खींच खींच के वो मुड़ गए हैं सुंदर साथ जी, हम नहीं मुड़ पा रहे, टीवी इंटरनेट मुड़ गया है, उसको शर्म आ गई है कि अब मैं इसको नहीं खींचूंगा, मैं चर्चा चर्चा ही सुनाऊंगा इसको, सोशल मीडिया को शर्म आ गई है, वहां भी धनी की चौपाइयां ही दिखती हैं हमें, हमें शर्म नहीं आई सुंदर साहब जी, हमें लज्जा नहीं आती उनसे दूर होते हुए, हमें याद नहीं आती उनकी, फिर माया की ओर, फिर माया की ओर, फिर माया की ओर चले जाते हैं, रोज पिया इतने प्रयास करते हैं और फिर ज्यों के त्यों बने रहते हैं हम, पर अब सुंदर साहब जी नहीं, धीरे धीरे करके जो असर हो रहा है ना, उस असर को रिवर्स नहीं होने देना, उसको आगे वो बढ़ता चले, रसरी ने निशान डालने शुरू किए हैं ना, वो रसरी को आते जाते रहना चाहिए, ब्रह्मवाणी से जुड़े रहिए, सुनते रहिए, पढ़ते रहिए, मंथन करते रहिए, चितवन करते रहिए, आपस में भी किसी से बात होती है संदेश दीजिए उनको, सुंदर साथ से बात होती है, आसपास की किसी बात में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, धनी का जिक्र करना है तो करो हमारे साथ, आओ इस चौपाई पे बात करते हैं, आओ हमने ये सुना आपने क्या सुना, आदान प्रदान करते हैं उन बातों का, आप देखेंगे अंदर कहीं भीतर बहुत अंदर वो खुशी की लहर दौड़ जाएगी जो बहुत अंदर से आ रही होगी, पिया कितने खुश होते हैं वही होते हैं वो जहां उनका जिक्र हो रहा है होता है, सुंदर साहब जी कहते हैं आप स्वयं इश्क धनी या मुंह जो पस जा पटंतर, आप स्वयं ही मेरे प्रेम और अपने प्रेम का अंतर समझ लीजिए, पहले क्या कहती हैं कड़ी से कड़ी जोड़िए सुंदर साहब जी, पहले कहती हैं मूल मिलावे में हम बैठे हैं, कैसे बता रही हैं उनको, मूल मिलावे में हम बैठे हैं, आपके सामने बैठे हुए हैं पिया जी, आप हमसे बात नहीं कर पा रहे हो, हमारी तो हम तो देख ही नहीं पा रहे आपको, है ना, हम आपसे बात नहीं कर पा रहे, और यहाँ पे आत्मा तो बिल्कुल भी बात नहीं कर पा रही उनसे, क्योंकि जागृत होगी तो धनी से बात करेगी, वहां पर आत्म उनकी नजरों में देखते हुए भी खेल में डूबी हुई है अंदर उनके हृदय में, वो भी बात नहीं कर पा रही, पर आपकी तो आंखें भी खुली हैं, आप जागृत भी हैं, आप हमें देख भी पा रहे हैं, पर पिया आप बात नहीं कर पा रहे देखो हमसे, और फिर उसके बाद अभी क्या कहती है उनको, आपका तो प्रेम हमसे ज्यादा है ना, आप तो हमसे दूर नहीं हो सकते ना, आपने तो मूल मिलावन में अपने बिल्कुल पास हमें बिठा रखा है ना, तो पिया क्यों क्यों बता रही है ये सारा कुछ, आप हमसे बात कर लो धनी जी, हमसे नहीं हो पा रहा, अब क्या कहती है, कहती है मैंने वियोग में सारी उम्र बिताई है, इस काल माया में ये तन धारण किया है, उस तन का मैंने क्या कर दिया, इंद्रावती जी कहती हैं अब आप स्वयं अपना प्रेम और मेरा प्रेम तोल लेना, मैं जो यहाँ कर सकती हूँ ना वो आप नहीं कर सकते, बहुत सुंदर अति 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 सुंदर, किस लिए सुंदर साहब जी, अपनी रहनी का दर्पण उनको दिखा रही है, देखो मेरी रहनी दे इनको दो, उनको मिल चुका है सुंदर साहब जी, देखिएगा ये मुझे इतना सुंदर लगा, इस चौपाई में बहुत ही चतुराई, प्रेम की चतुराई और व्यंग्य पूर्ण तरीके से, कभी हास्य पूर्ण कभी व्यंग्य पूर्ण तरीके से इंद्रावती जी ने अपने प्रेम की महत्ता को प्रतिपादित किया, मेरा प्रेम यहाँ ज्यादा महत्वपूर्ण है पिया जी, इंद्रावती जी कह सकती हैं हम नहीं कह सकते, हम में कोई वियोग कोई विरहा, हम तो दुखों से घबराने वाले, वो तो अंक में समेटने वाली दुख से पीयू जी मिल सी, वो समझाने वाली मैं तो बिगड़िया विश्व थे बिछड़िया, मेरे ढिग आओ मत कोई रे बाबा, ये इंद्रावती जी हैं सुंदर सा जी, वो कह सकती हैं, कहती हैं
हे धनी, मेरा ये तन जो है पंचभूतात्मक है, और आपके विरह में डूबने से ये वृद्धावस्था से जर्जर हो चुका है, उम्र खो चुका है अपनी जर्जर होने से, डूबने से। किंतु आप तो नूरी शरीर वाले हैं, आप तो अपने शरीर को कुछ कर ही नहीं सकते। मैंने ये धारण किया, मैं कर सकती हूँ। अब देखिए, इंद्रावती जी के अंदर ही बैठे हैं, इंद्रावती जी की उनसे वार्तालाप चल रही है, अंदर बैठे पिया जी से ये वार्तालाप हो रही है और वाणी उतर रही है आवेशित। ये सोचिए, जब ये आवेशित वाणी उतर रही है, श्री सिंधी पन्ना जी में अवतरित हुई है, जब ये वाणी उतर रही है, कनेक्शन देखिए सुंदर साथ जी, उस पल की खूबसूरती को, उस पल की सुंदरता को, उस पल की मिठास को, जब ये वाणी उतरी होगी, उसको अपने हृदय में लेने का प्रयत्न करें सुंदर साथ जी। कहते हैं एक आजकल 4D 5D मूवीज आ गई हैं, मूवी में हवा चलती है ना, आपको शीतल झोंके, थिएटर में ऐसा कुछ किया जाता है कि शीतल झोंके भी आपके ऊपर आते हैं, आप उसको फील कर पाए। बारिश होती है तो बूंदें भी टपकाई जाती हैं, ड्रिजलिंग भी कराई जाती है, आपको फील हो, पूरी तरह से फील कर पाए। ये ब्रह्मवाणी जब उतरी है, जब ये चौपाई आई होगी सुंदर साह जी, कैसे इंद्रावती जी की बातें पिया संग हो रही हैं और उनके मुख से उच्चरित होती जा रही हैं, और उधर सुंदर साथ उसको लिखते जा रहे हैं, कैसा इंद्रावती जी के हृदय में वो आनंद, वो प्रेम, कैसा उनका मुखार बिंद दिखाई दे रहा है। कभी बहुत सुंदर स्वामी जी एक लिखते हैं, कहते हैं महामती जी कभी स्त्रीलिंग बन जाती हैं, कभी पुलिंग बन जाते हैं। क्यों होता है ये? महामती जी कभी फीमेल की तरह यहाँ पे वो कर रही हैं, लिख रही हैं, कभी महामती जी कहते हैं तो कभी महामती जी कहती हैं, ऐसा कैसे हो जाता है? कभी तो इंद्रावती जी के रोल में आ जाती हैं और कभी राजी के रोल में आ जाते हैं। शोभा इंद्रावती जी की आत्मा को मिली हुई है, पर अक्षरातीत की शोभा भी उन्हीं को मिली हुई है। बहुत सुंदर बातें हैं ब्रह्मवाणी में सुंदर सा जी, खींच के ले जाती हैं अपनी तरफ और फिर नहीं छोड़ती, और ना ही छूटने का दिल करता है उनमें से। दिल करता है पूरा दिन पूरी उम्र इसी में चली जाए, अब ये माया दिखाई भी ना दे, पर देखना पड़ता है, इसको करना पड़ता है, और वो करना ही है। इसी माया में रहते हुए, सारा कुछ करते हुए, स्वाद जब उसका आता है ना सुंदर साह जी, वो इतने आनंदमय क्षण होते हैं, और धीरे धीरे उनकी एक्सटेंशन होती चली जाती है। पहले क्षण होता है, फिर वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है, और जब बढ़त बढ़त इतना बढ़ता चला जाता है कि उसका पसारा हो जाता है आपके ऊपर, तब आपको यहाँ का कुछ फील नहीं होता, तब आपको एहसास नहीं होता कि क्या चल रहा है मेरे आसपास। दिल की आबो हवा बदल जाती है अंदर, अंदर आनंद की जलवायु होती है ना सुंदर साहब जी। इन चौपाइयों को लिखते हुए जब उनके हृदय में आ रही होगी ये वाणी, आवेश स्वरूप बैठे हैं अंदर, उनसे इंद्रावती जी की बातें हैं ये सुंदर साहब जी, कैसे उनसे बात कर रही हैं, उनको देख के, आंखों में आंखें डाल के प्रिया और प्रियतम की बातें हो रही हैं ये सुंदर साहब जी। ऐसा कनेक्शन इनके साथ समझ के कि इंद्रावती तो कहती हैं आओ फिट हो मेरे सांचे में, और वैसे बात करो पिया जी से, क्यों नहीं करती हो? हमारी रहनी जाने नहीं दे रही हमें उसमें सुंदर सा जी, हमारी एलिजिबिलिटीज पूरी नहीं हो रही उस सांचे में कदम रखने की भी। एक बार कदम बढ़ाइए, अपने आप सब होता चला जाएगा। एक बार मन में ठान लीजिए कि बस पिया, अब यहाँ बस हुआ, अब तू ही तू मेरे दिल में एक ही ख्याल चलेगा, चाहे मैं कहीं भी हूं माया में, पर हर समय हर घड़ी मेरे दिल में आप ही आप,
आपको पाने की चाहना, आपसे बात करने की चाहना क्या पूरी होती है? वाणी पढ़िए, उनसे बातें ही तो हैं ये, इंद्रावती जी ने की हैं, मैंने की हैं, बात तो एक ही है ना, इसीलिए तो लिखी है कि इनको फील करो और सोचो मैं ही कर रही हूं ये बातें। इतना डीप जाएंगे तो तभी तो वो रेन फील होगी, तभी तो वो विंड्स प्रेम की हवाएं चलेंगी, तभी तो प्रेम की वृष्टि जो इंद्रावती जी पे हो रही है, तभी तो अपने पे होती हुई महसूस होगी। सुंदर सार जी, अंदर की जलवायु को 4D बनाना पड़ेगा, उसके लिए जीव को मेहनत करनी पड़ेगी। करवाएंगे पिया जी, पर इस सेंटेंस को लेके हम आलस्य लेके नहीं कि जब करवाएंगे, जून के हैं तो ले ही जाएंगे, ऐसे ही खो दिए पिछले जन्म भी। सुंदर साहब जी, करने के माफक कृपा होगी और जरूर होगी, इसलिए नंबर 1 थिंग उनके हृदय के अंगों को दुखाना नहीं है कभी भी, किसी सुंदर साथ के मन को, उनके दिल को चोट मत पहुंचाइए। इतना प्रेम कीजिए, कहाँ से आएगा? वाणी से प्रेम होगा ना सुंदर, सामने दिखाई दे रहे हैं क्योंकि वांग्मय स्वरूप उनके, इनसे प्रेम होगा, रोज इनके साथ जुड़ाव होगा, चितवन में बैठेंगे, दिखाई देते हैं या नहीं आपकी मर्जी पिया, मैंने तो आप पे छोड़ रखा है। तभी अंदर प्रेम उपजेगा तो बाहर निकलेगा ना सुंदर साहब जी। विचारों में भी प्रेम हो, विचारों में भी, ऐसा नहीं कि मुख से बोल रहे हैं बस, विचारों में भी किसी के प्रति कटुता ना आए, पूरे ब्रह्मांड में किसी के प्रति ना आए, और जो मेरे पिया के हृदय के अंग हैं उनको तो पलोस पलोस के। सुंदर साहब जी बहुत ध्यान से हैंडल कीजिए, बहुत प्रेम से, कोई एक्स्ट्रा ही सॉफ्ट चीज हमारे घर में हो, कितने ध्यान से उसको करते, टूट ना जाए किसी तरह, इसकी शेप खराब ना हो जाए। एक केक ही होता है ना, कितने ध्यान से उसको ट्रांसपोर्ट भी करते, इसकी सुंदरता, इसकी शेप, इसकी कोमलता खराब ना हो जाए, डिजाइन खराब ना हो जाए इसका। और भी कोमल चीजें होती हैं, जेली को कितने ध्यान से उठाते हैं। सुंदर साथ के हृदय है, मंदिर है वो, कितने ध्यान से, एंड एक बात मुख से क्या, विचार में आने से पहले भी सोचिए, मेरा सुंदर साथ है ये, नहीं, मेरे से पहले पिया इनको दर्शन दे देना, उनको बहुत जरूरत है। और पिया ने सारी ड्यूटीज, सारी सेवाएं लगा रखी हैं, डायरेक्टर साहब ने कभी उंगली नहीं उठाना। सुंदर साहब जी कहती हैं, मेरा तन तो यहाँ का बना हुआ है, मैं विरहा में आप पे वार सकती हूँ, आप कुछ नहीं कर सकते, आपका तो नूरी तन है, आप अपने तन से कुछ नहीं कर सकते मेरे लिए, यहाँ मेरा प्रेम आपसे बड़ा हो जाएगा इस, क्योंकि तन आपका नूरी है। बहुत सुंदरता से कैसे पिया जी को अपने पास में ले रही हैं, किस लिए, खुद तो पा चुकी हैं, हमारे लिए, मेरे लिए। सुंदर साहब जी इस प्रकार कहते, मेरे वियोग में आप जर्जर नहीं हो सकते, आप वृद्ध नहीं हो सकते, मैं हो सकती हूं, और मैंने हो के दिखाया, मैंने तो अपने शरीर को सुखा दिया, मेरी तो श्वास भी छूटी, श्वास ने भी संग छोड़ दिया मेरा, आप नहीं कर सकते ये। और ये बीतक साहब में एक बार आएगा, फिर से आएगा सुंदर साहब जी, कि सुंदर साथ ने तो आपके लिए तन छोड़ दिए, आप सुंदर साथ के लिए तन नहीं छोड़ सके। कब हुआ था ये? जब मिर्गी की बीमारी फैल गई थी। सुंदर साथ जी कहते आप नहीं छोड़ सके, बोलते हैं मैं नहीं छोड़ सका सुंदर साथ के लिए, सुंदर साथ मेरे लिए तन छोड़ के गया, जब उन्होंने तन छोड़ा तो सुंदर साथ ने तन नहीं छोड़ा, ध्यान अवस्थित हुए तो भी सुंदर साथ सहन नहीं कर पाया, उन्होंने तन छोड़ दिए 26 सुंदर साथ। और कहते हैं जब मिर्गी की बीमारी फैली, सुंदर साथ मेरे सामने तन छोड़ छोड़ के जाता रहा, मैं कुछ नहीं कर पाया, इसमें सुंदर साथ मेरे से भी आगे हो गए। यहाँ इंद्रावती जी कह रही हैं, आप मेरे लिए अपने शरीर को जर्जर नहीं कर सकते क्योंकि आपका तो नूरी शरीर है। इस प्रकार
निश्चित रूप से इस खेल में मेरा प्रेम आपसे बड़ा हो गया, क्योंकि मैंने आपको पाने के लिए विरहा में अपने तन को विनाश के कगार तक पहुंचा दिया, किंतु आप तो चाहते हुए भी नहीं पहुंचा सकते, आपका नूरी तन यहां तक पहुंच ही नहीं सकता, वो तो हमेशा किशोर स्वरूप में ही रहेगा आपका नूरी तन। देखा आपने इंद्रावती जी की कितनी सुंदर बातें, पिया ही नहीं, ओहो पलक भी नहीं झपक सकते होंगे पिया जी, इंद्रावती जी अब सामने उनसे ऐसी बातें करती होंगी, कैसे रहना है सुंदर साथ जी इस माया में। इंद्रावती जी ने रह के दिखाया, वे माया तेरे, बुल्ले शाह जी ने लिखा है सुंदर साथ जी, वे माया तेरे वेखनु चुक चरखा गली दे विच डामा, वे लोका पाणे मैं कत दी। लोग समझते हैं कात रही है माया का सूत, कात रही है माया के काम कर रही है, उनको मेरा शरीर हिलता हुआ दिखता है, उनके काम होते हुए दिखते हैं उनको, पर उनको पता ही नहीं कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, एक विरहन के अंदर, एक सुहागनी के अंदर चल क्या रहा है, उसके अंदर पिया 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 चल रहा है, बाहर उसके हाथ हिलते जा रहे हैं, और लोग सच समझते हैं माया के काम बड़ी मुस्तैदी से कर रही है। वे लोका पाणे मैं कत दी, तंदा तेरी आयादा पावा, पर उस पे जो मैंने धागा चढ़ा रखा है ना चरखे के ऊपर, वो तो तेरी यादों का है, हर समय हर पल हर घड़ी मेरे दिल में तेरी धड़कन होती है, तू ही धड़कता है, मेरा धागा भी तू है, और सामने से ये शरीर ये चरखा चलता हुआ उनको दिखाई देता है, उनको पता ही नहीं मेरे हृदय पर कौन सा धागा चढ़ चुका है, उस पे कौन सा रंग चढ़ चुका है। याद तेरी दा तुम बोले चरखे दी को कर दे ओले, कहते इस चरखे की आवाज उनको सुनाई दे रही है, ये शरीर जो काम कर रहा है उनको दिख रहा है, पर उससे छुप कर, ओले मतलब उससे छुप कर, याद तेरी दा तुम्बा बोले, वो किसी को सुनाई नहीं दे रहा, क्योंकि वो मेरे दिल के अंदर चल रहा है, ये इंस्ट्रूमेंट जो है ना तेरी याद का, वो अंदर हर समय हर घड़ी चलता रहता है। उसके बाद कहती है, वे निम्मा निम्मा गीत छेड़ के, वे निम्मा निम्मा गीत छेड़ के तंद कत दी हुलारे खां, क्या कहती है, कहती है मैं कुछ ऐसा करती हूँ निम्मा निम्मा, वो जो मेरे अंदर चल रहा है ना उसको छुपाने के लिए, उसको छुपाने के लिए मैं बाहर से कुछ ऐसा करती रहती हूँ कि दुनिया को पता ना लग जाए मेरे अंदर की जलवायु बदल चुकी है, किसी को कानो कान खबर ना हो जाए, बाहर से मैं थोड़ा सा गीत इसमें बोल रही है छेड़ देती हूँ, इनको पता ना लगे मेरे अंदर कौन सा, उस इंस्ट्रूमेंट की आवाज को छुपाने के लिए मैं बाहर के काम और तेजी से करने लग जाती हूँ, इनको कहीं शक ना हो जाए कि मेरा पिया मेरे अंदर चल रहा है, मैं उसके बिना रह नहीं पा रही हूँ, पर इस माया के काम करने जरूरी है, तो कहीं इनको पता ना लग जाए कि मेरे दिल की हालत क्या हो रही है। कहते बाहर से तो ऐसा लगता है कि मैं इन सब को इन सब को सबसे छुपाती हुई से कुछ कर रही हूं, माया के काम में मेरे हाथ हिल रहे हैं, पर वो मुझे पता है कि मैं अंदर कितने तंद कत दी हुलारे खावा, मैं एक धागा अंदर चढ़ाती हूँ और हुलारे होता है पंजाबी में, मैं इतनी खुश हूं अंदर, मेरे आनंद का पारावार नहीं है, पर बाहर मैं दिखा नहीं सकती कि मुझे अंदर क्या मिल गया।
इस दुनिया को मैं बता नहीं सकती कि मेरे अंदर की हालत क्या हो गई है, मुझे क्या मिल चुका है, मुझे इस माया में रस नहीं बचा, बस हाथ हिलते जा रहे हैं, पर मेरे दिल का हिलना, मेरे दिल की धड़कन एक के नाम हो चुकी है और वो मेरे धनी है, और उसको छुपा के रखना पड़ता है। इस माया को बता भी नहीं सकते कि मैं कौन सा सूत कात रही हूं, तुम बड़े भुलेखे में हो जो सोच रहे हो कि मैं यहाँ हूं, मैं यहाँ रहती नहीं हूं, अब मैं तो कहीं और रहती हूं, मैं अब उसके हृदय में रहने लगी। देखने में ऐसे लगता है कि मेरा तन यहाँ पर है, पर मैं यहाँ नहीं हूं, मैं तो कहीं और जा चुकी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, सुंदर साहब जी, बहुत सुंदर श्री सिंधी की वाणी है, इतनी मीठी, इतनी प्यारी, और ऐसी कोई चौपाई श्री कुलजम स्वरूप साहिब में है ही नहीं जो मीठी और सुंदर ना हो। हर चौपाई, हर शब्द, उन बस एक ही मंतव्य है हर शब्द का, अपनी रूहों को अपनी ओर खींचना। सुंदर साहब जी, वो निस्बत से, उस कनेक्शन से, वो संबंध जानकर मंथन करना शुरू कीजिए, इसमें बहुत आनंद है, बहुत आनंद। और कोई एक्टिविटी अच्छी नहीं लगेगी आपको माया की, जैसे ही 5 मिनट भी मिलेंगे ना, लगेगा अभी मैं खोल तो नहीं सकती इस वाणी को, पर वो शब्द अंदर अपने आप उठ जाएगा। आप 5 मिनट भी सोच कर देखिएगा, बीच में दो एक्टिविटीज के बीच में गैप आता है ना, पहले तो गैप ढूंढना पड़ता है, बाद में वो शब्द ढूंढ लेते हैं आपको, वो बनाते रहते हैं उस गैप को, और फिर पूरा फिल कर लेते हैं। माया के लिए गैप ढूंढना पड़ता है फिर उसके बाद, कि कोई तो क्षण ऐसा खाली हो कि ये माया के बारे में भी सोच लिया जाए, छूटता ही नहीं है, एक भी पल ऐसा नहीं छूटता। सुंदर सुंदर जी, नाम जी, मुझे क्षमा कीजिएगा। सुंदर साहब जी, भावों में आकर कुछ भी ऐसा शब्द जो हृदय को ठेस पहुंचाए या कुछ भी गलत लगे, मुझे क्षमा कीजिएगा। प्रणाम जी।